में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का सिलसिला जो है वो जारी है। धर्म के नाम पर हिंसा बंद नहीं हो रही है, हेट स्पीच का दौर शुरू है, लगातार एक धर्म समुदाय के साथ गैरो जैसा सलूक हो रहा है और इसके अनेकों उदाहरण रोज देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा उदाहरण, अगर मैं ताज़े उदाहरण की बात करूँ तो हरियाणा में हाल ही में देखा गया था कि किस तरीके से नूह और मेवात में हिंसा हुई। ऐसे में अगर धार्मिक एकजुटता की मिसाल पेश करने के लिए कोई पहल की जाती है तो क्या उसमें कुछ गलत है? ये सवाल पूछा जाना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यूपी के बुलंदशहर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसकी वजह से सब हैरान रह गए हैं। मामला क्या है वो इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। बुलंदशहर में धार्मिक एकजुटता का संदेश देने के लिए सियाना कस्बे में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को तबलीगी जमात के लोगों ने आयोजित किया था। देखते ही देखते क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपको वो खबर जो है स्क्रीन पर मैं दिखा भी रही हूँ। देखते ही देखते वहाँ काफ़ी लोग जो है वहाँ पर पहुँच गए, जिन्हें रुकवाने के लिए, जिनके कार्यक्रम को रुकवाने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुँची और ये कार्यक्रम बंद करवा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि पुलिस ने वो कार्यक्रम रुकवाया। सबसे पहले तो आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो में क्या कुछ नजर आ रहा है आप देख पाएंगे दोस्तों। ये वीडियो देखिए आप, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। फिर आगे आपको इस खबर से जुड़ी बाकी की जानकारी मैं आपको दूंगी। ये वीडियो देखिए, तो वीडियो में देखा जा सकता है कि तबलीगी जमात के लोग अपना सामान समेट कर वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और कार्यक्रम के लिए जो तैयारी की गई थी उसका जो सामान था उसको भी हटाया जा रहा है, चाहे फिर वो टेंट हो, वो दरी हो। हालांकि जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि कार्यक्रम करने के लिए पुलिस से अनुमति नहीं मांगी गई थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्हें पता चला कि बिना अनुमति के कार्यक्रम हो रहा था, इसलिए पुलिस ने ये कार्यक्रम होने नहीं दिया और कार्यक्रम को मौके पर जाकर रुकवा दिया। हालांकि इस पर दूसरे पक्ष का क्या कहना है ये अभी तक पता नहीं चल पाया, उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई बयान जो है वो सामने नहीं आ पाया है। लेकिन हैरानी फिर इस बात की भी होती है कि जब ये सब कुछ बिना अनुमति के नहीं हो सकता तो सड़क पर कावड़ यात्रा निकालने वाले खुलेआम बुलडोजर चलाने की बात कैसे कर सकते हैं? जेसीबी उनके पीछे से निकल रहा होता है और वो खुलेआम खुदाई की बात करते हैं। आपको वीडियो दिखाते हैं जहां कावड़ियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कावड़ का इतना खौफ है कि योगी ने जेसीबी भेज दी है, तुरंत लड़ाई तो तुरंत खुदाई, यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। आपको वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। तो गाइस, उत्तर प्रदेश के अंदर कावड़ का इतना खौफ है कि योगी जी ने हम लोग के पीछे भाई सुरक्षा के लिए भाई जेसीबी तुरंत भेज दी। ये देखो जेसीबी भाई, अगर तुरंत लड़ाई तो तुरंत खुदाई। ये है भैया, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो वीडियो में सब कुछ देख लिया होगा आपने, अब आके तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें पता चल गई होंगी आपको। ये हो रहा है इस वक्त देश में और यूपी में ये हो रहा है इस वक्त। सोचिए, कावड़ यात्रा निकालने के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनकी रुकावट में कोई पुलिस नहीं है, कुछ प्रशासन नहीं है, उनके ऊपर फूलों की बरसात की जाती है। दूसरी तरफ धार्मिक एकजुटता के लिए अगर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है या उन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तो वहां पर पुलिस पहुंचती है और कार्यक्रम को रोक दिया जाता है। हमें नहीं पता कि इन दो चीज़ों में अंतर क्या है, लेकिन जो अंतर है वो साफ साफ लोग जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपने जो अभी कावड़ का वीडियो देखा, कावड़ यात्रा निकालते हुए जो शख्स जो बात कह रहा था वो आपको सुनी सुनाई लगी होगी। अगर सुनी सुनाई नहीं लगी होगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हुआ ये कि ट्रेन में एक चेतन सिंह नाम के आरपीएफ के जवान ने, कथित तौर पर आरपीएफ के जवान ने सीधे तौर पर मुस्लिमों की हत्या कर दी, मुस्लिमों को एक के बाद एक वो मारता चला गया। और जब मुस्लिमों की हत्या की तो उसने ये कहा कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी को वोट दो। इसी तरीके के नारे अक्सर सुनाई देते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई रोक नहीं है दोस्तों इन सारे नारों पर, इस
पूरी प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है, जिस बात पर हैरानी होती है। अब फिलहाल देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, आगे इस खबर से जुड़ी कोई जानकारी निकलकर सामने आती है तो हम फिर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।